बॉम्बे में भी इतनी पाव भाजी की दीवानगी नहीं होगी जितनी पंडित जी के पास है। पूरा फेयर लवली जैसे चमक रही है। यहाँ पे जो हमारे पंजाब के बढ़िया युवा होते हैं ना थार वार वाले, वो आते हैं गिड़िया मारने। किसकी ईट बता रहे हो? सोने की ईट। भाई ये देखो जी, ऐसे घुमाएंगे जैसे उसने घुमाया था। मुट्ठी भर अनार, ए ये साडा प्यार। क्या बात है जी, आजो अंबरसरिया दे पल्ले खालो कले। क्या बात अंकल, सत श्री अकाल जी। ओ सत श्री अकाल जी अंकल, चंडीगढ़ च अमृतसर बसा देंगे जी, पंजाब है साडा। क्या बात है, कितने भी शहर नु ले आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई जो दोपहर की बढ़िया भूख है ना, हमें लेके आई है अमृतसरी स्पेशल दही बल्ला के ऊपर। अंकल सत श्री अकाल, सबसे पहले तो आपको नाम बताइए अंकल अपना। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। भूपिंदर अंकल, क्या बेचते हो आप? हम दही बल्ले पापड़ी चाट। दही बल्ला और पापड़ी चाट या। तो दिखाइए अंकल क्या क्या रहता है अपने पास। अपने पास रहता है, लगाऊं एक प्लेट फिर आपको पता चलेगा। ए लो जी बल्ला, ये आ गया जी बल्ला प्लेट के अंदर, एकदम बढ़िया दही में डूबा हुआ है। क्रीमियस दही, क्रीमी दही पूरा हुआ। और बल्ला किस चीज का रहता है सिंह साहब? बल्ला साडे को रहता है जी उड़द की दाल, जिन्होंने मां की दाल कहने। मां की दाल, धोती मां की दाल। वाह, ए नाल साडे को है जी पापड़ी। पापड़ी खुद की बनाई हुई है ये पापड़ी। ये देखो जी एकदम क्रंच वाली पापड़ी। ये जी पापड़ी है, उस तो बाद आ जाते साडे अपने खुद के बनाए हुए मसाले। ठीक है जी, मसाले च क्या क्या रहिंदा? मसाले च ये नहीं है जी, ये साडा सीक्रेट है जी। अच्छा, ये सीक्रेट है, नहीं दसना। अगे असी होर भी एक मसाला तैयार करने हैं अलग। ठीक है जी, लेकिन होएगा यही एदे विच ही मसाला हो, लेकिन अलग चीज बनावांगे। क्या है सर ये ऊपर? इसके ऊपर आएगी जी इमली और गुड़ की चटनी। ये आगे जी इमली और गुड़ की चटनी है। जीरा मसाला डाला पहले आपने? जीरा मसाला तो डालना ही पड़ेगा जी, भुना हुआ जीरा। उसके बाद में आगे जी हमारे पास सॉस। ये आगे जी हरी चटनी। हरी चटनी के बाद में आ गई साडा लो जी सेवियां। ये सेव आ गई जी। इसके बाद में आ जाओ जी हमारा किशमिश। ये आगे जी किशमिश हुआ। किशमिश के बाद में हमने डाल देना जी अनार। अनार भी आएगा, मुट्ठी भर अनार, ए ये साडा प्यार। क्या बात है जी, तो अंदाज है सरदार जी का, वो भी एकदम दिलदार है, खुले दिल वाला जी। तो भाई ये प्लेट लग चुकी है अंकल जी। आ लो जी ये खाओ जी अमृतसरिया दे भल्ले ते करा दियो बल्ले बल्ले। क्या बात है यार, ये जी अमृतसरिया के भल्ले और करा दांगे बल्ले 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 बल्ले। तो भाई दोपहर की एकदम कड़कड़ाती गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा दही और अमृतसरिया दे भल्ले, भल्ला जी को भल्ला खिला रहे हैं अंकल जी। आओ पास में आपको दिखाता हूँ, ये लुक चेक करो भाई प्लेट की, पूरी लोडेड प्लेट है, एकदम बढ़िया पापड़ी साथ में ये एकदम क्रीमी और ठंडा दही। ओ देखो, कोई तीन चार तरह के मसाले डाले, कोई हरी मिर्ची ने डाली, कोई लाल मिर्ची ने डाली, सिंपल चटनी मीठी साथ में पुदीने वाली चटनी। जो मेन नज़ारा और जो मज़ा है ना, एक तो इनका रिफ्रेशिंग दही, दही भाई बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, और पापड़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ब्रे, नज़ारेदार स्वाद है। अगर आपको भी खाना है मोहाली फेस 5 कल्याण जिले के सामने नारियल पाने वाले भैया, उसके साथ अमृतसरी दही भल्ले, वाकई करा देंगे बल्ले बल्ले। अब फटाफट ना ये तो खाया, अब शाम का एक ऐसा जायका दिखाने वाला हूँ ना आगे, जिसे देख के हैरान होंगे भाई, किलो नहीं टन के हिसाब से बिकता है। चलो चलो भाई, शाम की बढ़िया भूखा में ले आई सीधा पंडित जी के पास। पंडित जी राम राम जी। नमस्ते सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। भाई आते ही ना पंडित जी के पास जो भाजी की खुशबू आई है और जो मुस्कान की चमक देखी है, दोनों ही बहुत कमाल की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंडित जी लोग तो आपको सब जानते हैं पंडित जी के नाम से। बिल्कुल सर। नाम क्या आपका, असली नाम बताइए? मेरा नाम चेतन शर्मा सर। चेतन भैया भाई, पूरा का पूरा ये तवा देखो एक बार, ट्रक के टायर से बड़ा तवा, और इतना बड़ा तवा मैंने किसी पाव भाजी वाले के पास नहीं देखा। पूरा सर ट्रक का टायर है। क्या बात है जी। और मैंने सुना सर जितनी पाव भाजी आप रोज खिलाते लोगों को, बिल्कुल जितना सर लोग आपको प्यार देते, पूरे पंजाब में किसी और पाव भाजी को नहीं मिलता? कहीं नहीं मिलता सर, मोहाली चंडीगढ़ में इतना प्यार मिलता है ना हमें, यहाँ पे 25 साल हो गई जी, लेकिन दूर दूर से कस्टमर आते हैं पाव भाजी। क्या बात है, थोड़ा इस साइड से आपको दिखाता हूँ भाई, क्या हलचल चल रही है तवे के ऊपर। ये पाव गर्म किए जा रहे हैं बढ़िया मक्खन डाल के, जो खुशबू है ना भाई इस तवे की, एक बार ये पाव चेक करो, क्या बढ़िया गोल्डन कर दीजिए पंडित जी ने। वाह, गोल मक्खन है ना, एकदम बढ़िया ऑर्डर्स लगते जा रहे हैं भाई। एक बार आपको पीछे सीन दिखाता हूँ, ये देखो पीछे फैमिलीज बैठी हैं और सामने रश है, और इधर कार्स के अंदर मेरे को मैं खोलूंगा पंडित जी, पूरा मतलब दीवानगी है लोगों के अंदर। सर ये देखो सोने की ईंट खोलने जा रहा हूँ मैं। क्या बात है जी, किसकी ईंट बता रहे हो? सोने की ईंट। सोने की ईंट, भाई ये देखो जी, ये मूल मक्खन को पंडित जी सोना कह रहे हैं, और सोने की ईंट आ गया तवे के ऊपर। ये पूरी डालोगे क्या भाजी के अंदर? ये सर करीबन करीबन थोड़ा बहुत बचेगा इसमें। क्या बात है जी, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो पाव के ऊपर लग जाएगा। अमूल बटर के बिना टेस्ट ही नहीं है पाव। क्या बात है जी, तो भर भर के भाई बटर डाला जाता है। और पंडित जी जिस हिसाब से आप बटर यूज करते हो, या जैसा आपको लोग प्यार दे रहे चंडीगढ़ के, टन के हिसाब से तो लगता होगा बटर अपने पास। बिल्कुल सर,
क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नहीं मतलब मजाक नहीं कर रहा, पट्टी सच में टन के हिसाब से इतना तो नहीं, लेकिन ये है बढ़िया लगा देते हैं। ठीक क्या बात है, खुल के लगाया जाता है। ये देखिए सूखी कसूरी मेथी आई, भर के मक्खन आया, प्याज आया, और बढ़िया जो है ना टॉस किया जा रहा है इसको पाव भाजी के साथ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया भाई। ये अपनी रेड चिली आ गई, ये आ गई जी रेड चिली, सब्सक्राइब बटन जैसी लाल। और ये अपना मसाला आ गया। वाह, ये पंडित जी किस चीज का मसाला रहता है? ये प्यार वाला मसाला है अपना, प्यार वाला जी। और ये ऊपर है नमक, नमक। ये पाव भाजी वालों का जैसे थौर है ना, उसका हथौड़ा होता है जी। ये पाव भाजी वालों का हथियार है, जिससे मोर है, पूरा भाजी को मैश किया जाएगा। जो सीन है ना यहाँ पे पाव भाजी का, वो यार बहुत ही जबरदस्त रहता है। लोगों का डिनर यही होता है, कोई घर पे खाना नहीं बनाता। और इधर देखो जी उस्ताद जी, ये नींबू निचोड़ते जा रहे हैं एकदम बढ़िया। और अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर हो ना पंडित जी, जिससे मैं लोगों तक खुशबू पहुंचा पाऊँ, बिल्कुल सर, तो भाई सारे के सारे दीवाने हो जाएंगे पंडित जी के। ये कितनी प्लेट तैयार की सर आपने? ये सर 20 प्लेट करीब करीब, 20 प्लेट के करीब करीब तैयार की है। और पंडित जी भाजी किसी को दोबारा चाहिए हो तो और कर देते हैं रिफिल, दे देते हैं। हाँ जी, क्या बात है जी। ये देखिए जी नींबू तो आते ही जा रहे, रुक नहीं रहे। वाह, बस सफाई करते हैं, पूरी गर्मा गर्म भाजी है ना तवे के ऊपर सेट कर दी गई है, के साथ फ्रेश बनाते हैं, जो ऑर्डर चलते रहते हैं वैसे बनाते हैं। मतलब 20 प्लेट के करीब आप बनाते हो, हर बार हर बैच लगते रहते हैं जी, लगातार जो है ना वो प्लेट ऐसे ही बनती जाती है। बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया है। बोलो कि नहीं है। अब देखो भाई जो मेन जलवा ना पंडित जी का, जो मजा आएगा देख के, वो ये शुरू होने वाला है। यहाँ की प्लेटिंग, भाजी का गाढ़ापन देखो सर, पूरा एकदम बढ़िया सर, पूरा तवे पे उसने बढ़िया ड्यूटी निभाई है, और गर्म हो गई एकदम बढ़िया गाढ़ी हो गई है। जो मोहाली चंडीगढ़ में खाली, जो तो खाली सर कनाडा अमेरिका तक भी पाव भाजी कहते यही खानी है हमने। क्या बात है, कनाडा अमेरिका तक भेज देते हो पाव भाजी। एक पंडित जी और चीज बोलूंगा मैं, देखो आप रेडी पे खड़े हो जी, रेडी पे सौदा बेचते हो, बिल्कुल, पर गाड़ियां यहां पे ऐसी ऐसी आ रही ना करोड़ों वाली, और गाड़ियों के अंदर जा रही अपनी पाव भाजी। बिल्कुल सर, क्या बात है। ये देखो जी मक्खन आया, ऊपर लहसुन का पेस्ट, साथ में मिर्ची, और ये ऊपर पाव, एकदम बढ़िया से पूरा का पूरा पैकेट से एक बढ़िया मसाला। वाह, स्पीड मैंने सुना पंडित जी बहुत तेज आपकी प्लेट लगाने में। बस सर पूछो ना, जब रस पड़ता है तब तो बस चलने। क्या बात है, अभी पंडित जी के जाने का टाइम है, पर फिर भी भाई जो फ्लो है ना, और ये तवा बना अभी, और ये बिक चुका है सारा है ना पंडित जी। ये देखो भाई पास से प्लेट की लुक, वाह यार। पंडित जी भूख लग गई, एक प्लेट हमें भी दो। जो जो सर, लो बिल्कुल भाई, लुक ऐसी कमाल की देख कर भूख लग गई है, तो फटाफट आपके लिए भी एक प्लेट लगवाते हैं। ये देखिए ये बटर आया, कोई तोला नहीं जाता यहाँ पे बटर को, सीधा खुले दिल से डाल दिया जाता है। ये सीक्रेट स्पेस से पंडित जी साइड से तवे पे निकाल देते हैं। ये देखो जी एकदम भर के भाजी, और ये ऊपर आए प्याज, एकदम बढ़िया। चेतन भैया पाव की वेट कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये मक्खन है, ये देखिए भाई पाव आया भर के। ये हरी चटनी किस चीज की पंडित जी? ये सर हरिया धनिया पुदीना हरी मिर्च, हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च जी, एकदम बढ़िया। ये देखिए आप प्लेट लग के तैयार है पंडित जी। कितने रुपए की प्लेट है ये? ये सर 110 की प्लेट है, 110 रुपए की प्लेट है, और मक्खन मैं कहूंगा पूरा खुला दिल मार के। तो भाई इधर भी आओ, ये देखो बढ़िया भर के, एक बार पास से दिखाओ भाजी, पास से दिखाओ। वो कहते रहे यहाँ मैं पिघल गया, ये वो चीज है, यहाँ मक्खन पिघल गया। तो बढ़िया बटर, इसको ऐसे घुमाएंगे जैसे उसने घुमाया था अपने जाल में, इस मक्खन को घुमाएंगे पाव भाजी के बीच में, और देखो एकदम रंगत जो है ना चेंज हो गई है, पूरा फेयर एंड लवली जैसे चमक रही है। 3B2 एरिया मोहाली का गेड़ी रूट बोला जाता है पंडित जी, इसको गेड़ी रूट बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? आगे से गेड़ियां मारेंगे कस्टमर, आगे से गेड़ियां मार के उस मार्केट में चले गए, उसमें से फिर इधर आ गए, फिर आगे जाके फिर ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पंजाब के बढ़िया युवा होते हैं ना थार वार वाले, वो आते हैं गेड़ियां मारने, और गेड़ी मारते हुए भूख भी लगती है, तो ऐसा खाना खाया जाता है पंडित जी की पाव भाजी। पंडित जी 6 पाव ही देते हैं हम ऐसे, पंडित जी को पूरा कॉन्फिडेंस अपनी प्लेट पे कि भाई 6 तो कोई खा ही लेगा, क्योंकि आम जगह पे 4 मिलते हैं, यहाँ पे आपको 6 पाव दे दिए जाते हैं क्योंकि खा ही लेते हैं बंदे। ये रही यहाँ की एकदम बढ़िया भाजी, ओ भाई जिस हिसाब से पंडित जी ने बटर डाला ना, और यहाँ पे है, मुझे था सिर्फ बटर का ही ज्यादा फ्लेवर आएगा, पर पाव भाजी के अंदर एकदम बढ़िया खटास, अच्छी मसालों वाली किक, पूरा नजारेदार फ्लेवर है, और एकदम से मलाई पाव हो गया, इतना बटर डाला गया, मजेदार चीज है। गेड़ी मारने आओ ना आओ, पर पंडित जी की पाव भाजी खाने जरूर आ जाना, 3B2 मार्केट की बैक साइड। बाकी एक बाइट और आपके लिए।